वास्तव में कोई ब्राह्मण है तो उसको परशुराम वाटिका के लिए बात उठानी चाहिए। वाटिका से हम तो कानपुर में रहते हैं, हम तो वाटिका में कोई टहलने भी ना है, पर विधायक मान लो कह रहा कि एक वाटिका बन जाए तो क्या विधायक ही हो जाएगी वाटिका? हम कोई भी काम कराते तो क्या उसका हो जाता है क्या? जो काम कराता विकास के लिए कराता, ऐसा नहीं होता कि विकास के लिए हम कोई काम करा रहे तो मेरा हो गया। लेकिन चंद लोग अपनी बादशाही का अहमियत करने के लिए और सरकार को बदनाम करने के लिए ये फंडा अपना रहे हैं। और एक ही हम तो कह रहे हैं, एक ही दो तीन मुद्दे थे, एक ही मतलब नगर पालिका पर, एक ही टाउन एरिया पर ऑब्जेक्शन क्यों? जबकि रूरा में भी अभिनेताएँ हैं, शिवली में भी हैं, बहुत से ऐसी बात प्रमाण सहित बता सकते हैं जहाँ आवास आवंटन किया गया उस व्यक्ति का नाम नहीं। जी आपने वहाँ पे कहा है मीटिंग में कि ब्राह्मणों का वोट लेते हैं सांसद जी, लेकिन ब्राह्मणों की बात नहीं करते। हाँ बिल्कुल, ब्राह्मण की बात कभी नहीं करते हैं। आज ये चौथा प्रकरण है, जब भी कभी ब्राह्मण की बात आई वो जो उनके चंद चमचे हैं ब्राह्मण के नाम पर अपने ब्राह्मणत्व को खत्म कर रहे हैं, जो चमचागिरी करके उनको छोड़ के ब्राह्मण का वोट तो ले लेते हैं बेवकूफ बनाकर, लेकिन ब्राह्मण वाटिका के लिए या ब्राह्मण के समर्थन के लिए कभी भी उनकी कोई पहल नहीं होती, जबकि हमारी सरकार में ऐसा नहीं है। योगी जी सभी को सम्मान दे रहे हैं। विधायक जी ने आरोप लगाया है कि सांसद जी वोट तो लेते हैं ब्राह्मण का, लेकिन ब्राह्मणों की बात नहीं करते, परशुराम मंदिर नहीं बनने दिया। ऐसा है, आप इसको, मैंने विधायक जी से कहा कि मुझसे बड़ा कोई ब्राह्मण नहीं है, मैं जनेऊ भी पहनता हूँ और मैंने परशुराम वाटिका के लिए कानपुर नगर में पैसा भी दिया है, वहाँ भवन बनवाया है, गेट बनवाया है, समझे? इस संबंध में उनको जानकारी नहीं है, उनका कोई व्यक्तिगत कारण रहा होगा कहीं लाभ हानि का, इसलिए वैसा कुछ कह रही, मुझे जानकारी नहीं इस संबंध में। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।